प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। वीडियो एडिटिंग के हवाले से प्ले स्टोर पर बहुत सारी एप्लीकेशंस मौजूद हैं जिन्हें डाउनलोड करके आप अपनी वीडियो की एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन मेरी पसंदीदा एप्लीकेशन काइन मास्टर है। मैं काइन मास्टर के ज़रिए ही अपनी वीडियो की एडिटिंग करता हूँ और अक्सर अपनी वीडियोज़ में काइन मास्टर के यूज़ के तरीके बताता रहता हूँ। आज हम काइन मास्टर की एक बेहतरीन ऑप्शन क्रोमा की के बारे में जानेंगे कि क्रोमा की का इस्तेमाल कब और कैसे किया जा सकता है और इससे कौन कौन से फ़वाद लिए जा सकते हैं। दोस्तों, क्रोमा की का इस्तेमाल करते हुए हम ग्रीन स्क्रीन एनिमेशंस अपनी वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमने पहले से ही अपनी ज़ाती तौर पे कोई तहरीर ग्रीन स्क्रीन में तैयार कर रखी है, उसे हम वीडियो पर चला सकते हैं, अपनी वीडियो का बैकग्राउंड बेहतरीन और शानदार बना सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि पहले से ही अपनी तैयार करदा तहरीर अपनी वीडियो के साथ किस अंदाज में किस तरीके से अटैच कर सकते हैं, या फिर YouTube पे पहले से ही मौजूद नो कॉपीराइट डाउनलोडेड ग्रीन स्क्रीन किस तरह अपने वीडियो में अटैच कर सकते हैं। दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं काइन मास्टर की तरफ और बचाते हैं अपना कीमती वक्त। जी दोस्तों, हमने काइन मास्टर ओपन कर लिया है। अब हम अपने न्यू वीडियो गैलरी में से काइन मास्टर में लेके आएंगे और क्रोमा की का फंक्शन सीखेंगे। क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे, क्लिक किया, ये हम अपनी गैलरी में आ गए और जिस वीडियो पे आज हमने काम करना है उसका इंतखाब करेंगे। मैं आज आपको इस वीडियो पे काम करना सिखाऊंगा, यहाँ हम स्टार्ट में आ जाएंगे। स्टार्ट में आ गए, लेकिन दोस्तों यहाँ कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में क्रोमा की के ज़रिए ग्रीन स्क्रीन के इस्तेमाल का सिर्फ तरीका बताया जा रहा है। अपनी वीडियो पर तहरीर चलाने के लिए मेरे चैनल पर नो कॉपीराइट ग्रीन स्क्रीन तहरीर पहले से ही मौजूद है, जिसे फ्री डाउनलोड करके आप अपने चैनल पर अपनी वीडियोस में इस्तेमाल कर सकते हैं। नो कॉपीराइट ग्रीन स्क्रीन तहरीर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप ये तहरीर भी चला सकते हैं। इसके अलावा आपको YouTube पे बहुत सारी ग्रीन स्क्रीन तहरीरें मिल जाएंगी, वो आपको पसंद हो उन्हें भी आप डाउनलोड करके अपनी वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते कि वो नो कॉपीराइट ग्रीन स्क्रीन तहरीरें हों। यहाँ हम लेयर का निशान देख रहे हैं, लेयर पे क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर मीडिया, मीडिया पे क्लिक करेंगे और जो ग्रीन स्क्रीन पहले से ही हमारे पास तैयार शुदा है, बेशक अपनी ज़ाती तैयार की हुई हो या YouTube में से कहीं से डाउनलोड की हुई हो नो कॉपीराइट, उसे हम अपनी वीडियो में लगा लेंगे। मेरे पास ये पहले से तैयार शुदा मौजूद है, मैं आपको सिखाने के लिए सिर्फ इसका ही इस्तेमाल करूँगा। ये मैंने लगा ली यहाँ, इसे हम फुल स्क्रीन कर देंगे। फुल स्क्रीन कर दिया, फुल स्क्रीन करने के बाद ये जो हम नीचे ग्रीन पट्टी देख रहे हैं, ग्रीन पट्टी पे क्लिक करेंगे। क्लिक किया, ये हमारे सामने राइट साइड पे मुख्तलिफ चीज़ें खुल गई हैं, कैंची, इन एनिमेशन, ओवरऑल एनिमेशन, आउट एनिमेशन वगैरह। ये थोड़ा स्क्रोल करें, ये आपको नज़र आ रहा है क्रोमा की, आउट एनिमेशन के नीचे क्रोमा की पे क्लिक करेंगे। क्रोमा की पे क्लिक किया, यहाँ एनेबल के सामने ये ग्रे कलर में निशान है, इस ग्रे को आप क्लिक करेंगे। ग्रे को क्लिक कर दिया, सबसे ऊपर राइट कॉर्नर पे टिक का निशान, इस टिक के निशान पे क्लिक करेंगे। टिक के निशान पे क्लिक कर दिया और ये आप देख रहे हैं ग्रीन स्क्रीन ख़त्म हो गया है, नीचे तहरीर हमारे पास बाकी बच गई है। वीडियो तो हमारे पास बाकी रहनी रहनी थी जिस पे हमने अपनी तहरीर चलानी है, इसे चला के देखेंगे। जी दोस्तों, ये आपकी मतलूबा तहरीर। वेलकम टू माय चैनल PPN ऑफिशियल, लाइक दिस वीडियो इफ़ यू फाउंड इट यूजफुल। ये सिर्फ सिखाने के लिए आर्जी तौर पे लिखी गई थी, आप अपनी मर्ज़ी अपनी पसंद की कोई भी तहरीर जो ग्रीन स्क्रीन में मौजूद हो इस अंदाज में अपनी वीडियो पर चला सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। अब अगली वीडियो आने तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।